everyone, welcome to my YouTube channel Lalita's English Classes. I am Lalita Dhakar. आज हम फाइव और मेन वर्ब सीखेंगे. हमने एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें हम बहुत सारे वीडियो में मेन वर्ब्स देख चुके हैं. अगर आपने नहीं देखे वो वीडियो तो आप मेरे चैनल पे जाकर जरूर देखें. तो आज की पहली मेन वर्ब हम लेते हैं जो है झूठ बोलना. झूठ बोलना, इसके लिए इंग्लिश में यूज होगा टेल अ लाई. टेल अ लाई, ठीक है, पूरा का पूरा यूज करें. वैसे लाई शब्द भी यूज कर लिया जाता है पर ये टेल अ लाई ज्यादा अच्छा लगता है. अगली वर्ब है आज की सच बोलना. सच बोलना, इसके लिए इंग्लिश में यूज होगा स्पीक द ट्रूथ. स्पीक द ट्रूथ. आप एक बात ध्यान रखें कि झूठ बोलने के लिए टेल यूज किया गया था, टेल अ लाई, ठीक है, और सच बोलने के लिए स्पीक का यूज किया गया है. तो ये वर्ब के फ्रेजेस है, आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे. अगली वर्ब है आज की विरोध करना. आप किसी का भी विरोध करते हैं तो इसके लिए इंग्लिश में यूज होगा अपोज. अपोज, स्पेलिंग देखें और मैं बोल कैसे रही हूँ वो भी देखें. अपोज नहीं बोलेंगे, अपोज बोलेंगे. और अगली वर्ब है आज की पिघलना. कुछ भी चीज़ पिघल जाती है तो पिघलना भी एक वर्ब है, तो इसके लिए इंग्लिश में यूज होगा मेल्ट. आपने सुना होगा ये वर्ड कभी, तो मेल्ट मतलब पिघलना. और आज की लास्ट वर्ब है झपकी लेना. सोना स्लिप होता है लेकिन झपकी लेना भी एक काम होता है, तो इसके लिए एक नया शब्द यूज किया जाता है नैप. NAP, नैप, मतलब हम थोड़ी देर के लिए सोते हैं, ज़्यादा देर नहीं सोते हैं, तो उसके लिए आता है झपकी लेना. तो आज हमने ये फाइव मेन वर्ब सीखी. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच.